स्कॉर्पियो S11 2020 एट 100 kmph, स्कॉर्पियो S11 एट 120। चलो अब हाईवे पे लेके चलते हैं। बहुत ही हिल रही है, बहुत ही आवाज है। और आपको स्कॉर्पियो के बारे में एक अजीब सी चीज बताता हूँ, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टाटा पंच से भी कम है। टाटा पंच का कितना है? 187। इसका कितना है? 180 mm। क्योंकि जो साइड वाला ग्राउंड क्लियरेंस कैसे नापते हैं, ऐसा नहीं है गाड़ी आगे से कितनी ऊंची है वो नापा जाता है, गाड़ी का सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो ग्राउंड के सबसे नजदीक होता है, उससे लेके ग्राउंड के बीच में कितना गैप है वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस। अब दे रहा इंडिकेटर, तो इसका है 180 mm। तो गाड़ी सिर्फ आगे और पीछे से ही ऊंची है और साइड से नीचे, क्योंकि इसके जो फुटस्टेप है ना अंदर चढ़ने के लिए, उनकी वजह से गाड़ी नीची है। 60 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है। हिल रही है थोड़ी बहुत, अभी पूरी हिल रही है, जैसे थोड़े बहुत भी रोड इधर उधर जाएगा ना तो पूरा ऐसा ठुमकने लगती है, कमर हिलती है इसकी इसकी पूरे। हाँ विंड नॉइज काफी है, 120 पे है। ये चारों इंडिकेटर कैसे ऑन हो गए? हजार्ड इसके 120 से ऊपर हो जाते हैं क्या? एक बार ट्राई करेंगे, ये नहीं पता था यार, लेट्स चेक। चलो स्कॉर्पियो के ब्रेक बताओ वे कितने पे लगाएंगे? सही बताऊं थोड़ा सा लग रहा है डर, स्कॉर्पियो है ना तो कभी भाई पिचिंग बहुत ज्यादा हो जाए, पूरी झूल जाए, इधर उधर चली जाए। हाईवे तो पूरा खाली है, तो चलो देखेंगे थोड़ा सा हिम्मत करके। कितने पे देखूं? पहले 80 पे देखूंगा, 100 वही है फिर थोड़ा ज्यादा है ना अगर नहीं कंट्रोल हुई तो। और जैसे मैंने बताया लेफ्ट बीच वाली लेन में मैं इसीलिए देखता हूँ कि गाड़ी अगर इधर उधर निकलती है, स्किड करती है तो इधर जाती है तो मैं इधर से वापस ले आऊँगा, इधर जाती है तो इधर से ले आऊँगा। लेफ्ट लेन में अगर करूँगा तो उधर ही घुस गई तो वो फिर बचेगी नहीं। पीछे कुछ नहीं है, 80 पे आ रहे हैं तो 80 तो बहुत कम लग रहा है यार इसमें। कितना? अभी भी नहीं आई 80। अब है, नाइस यार, पिचिंग देख रहे हो लास्ट में। चलो अब 100 पे देखेंगे, अब थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया मेरा। जैसे ब्रेक से इसके बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, लास्ट में जब व्हील रुक जाता है ना जैसे टाटा हैरियर ने करा था वैसे ही इसके ब्रेक से कोई आवाज नहीं है, भी इसके साउंड की सीधी रुकती है। लेकिन वही है, ब्रेकिंग डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा है कि कम है। अब इसको लेके चल रहे 100 पे, 100 पे है। नहीं अभी नहीं है। स्कॉर्पियो S11 2020 एट 100 kmph, टायर्स का कोई निशान नहीं है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ना कम है ना ज्यादा है, उसके बीच की है। ब्रेक्स के बारे में मैंने ये चीज ये नोटिस करी है, एक तो आवाज बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, ABS जैसे थोड़ा रुक जाएगी ना गाड़ी, स्पीड बहुत कम आ जाएगी तब हल्का सा आवाज करेगा लाइक टाटा हैरियर, तब तक कोई आवाज नहीं है। सेकेंड स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप लोग वो चीज़ कैमरा में नहीं देख सकते, लेकिन गाड़ी बिल्कुल हल्का से इधर जाके इधर आई है, मतलब नहीं कर सकते, वो बहुत मिनिमल था, आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे उसे अगर मैं कैमरा में दिखाऊं तो, क्योंकि वो मैंने फील किया, स्टीयरिंग मेरे हाथों में है, ठीक है, तो दैट यू कांट फील एट ऑल। और थर्ड चीज़ ये है कि आवाज़ तो करते ही नहीं है, ब्रेकिंग डिस्टेंस की अब बात करेंगे तो ना ज़्यादा है और ना कम है।
गाड़ी के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से उसे ठीक कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है या बहुत ख़राब ब्रेकिंग है, ऐसा नहीं है। तो अब हम लास्ट राउंड लेंगे इसका 120 की स्पीड पे। साउंड्स कूल, सिक्स डालते हैं और फिर रोक के गाड़ी का ओवरव्यू दूंगा। एक अभी थोड़ा सा स्लोप है ना, तो इस पे करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि फिर वो डिस्टेंस बढ़ भी सकती है अगर स्लोप पे थोड़ा सा मारूं तो ब्रेक। विंड नॉइज काफ़ी है, मुझे बताना है स्कॉर्पियो ऑनर्स, मैंने काफ़ी सारे किस्से सुने हैं स्कॉर्पियो क्यों लेते हैं। स्कॉर्पियो है भाई, रॉब है, माफिया वाली गाड़ी है। ब्लैक कलर में इतनी किलर लगती है ना स्कॉर्पियो, और कोई गाड़ी पे ब्लैक कलर इतना नहीं जचता जितना स्कॉर्पियो पे जचता है। इसकी थर्ड जनरेशन भी आ रही है, मेरे पता नहीं थर्ड है या फोर्थ है क्योंकि इससे पहले और दो आ चुकी हैं, ये सेकेंड है, दो आ चुके हैं। जैसा भी है, जितनी भी जनरेशन आ रही है सारी हिट है, सारी की सारी। ये फिर हेरा फेरी की तरह है भाई, पहला पार्ट भी बढ़िया, दूसरा उससे भी बढ़िया। अब देखते हैं नई वाली से क्या उम्मीद है, नई आ रही है समय फोर्थ है। अब थोड़ा सा ना वाइब्रेट कर रही है गाड़ी। स्कॉर्पियो S11 एट 120। इंडिकेटर ऑन हो गए, बढ़िया ब्रेकिंग है। अब मैं कह सकता हूँ हाँ ठीक है, अच्छी खासी ब्रेकिंग है और कोई डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं है। मुझे सच बता रहा हूँ, मजाक में मत लेना, मुझे उम्मीद नहीं थी स्कॉर्पियो से कि ऐसी ब्रेकिंग मिलेगी, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम चलाई वो स्किड कर रही थी, थोड़ा बहुत अभी मार रहा हूँ तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब इसमें कॉन्फिडेंस है, बस एक ही है कि करके ना इधर उधर ज़्यादा घुमा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी में जो है रोलिंग पिचिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखो, स्कॉर्पियो में गियर स्लोटिंग अभी मुझे समझ आई है। अगर न्यूट्रल वाली लाइन में ला के एक ही बार में उधर कर दोगे ना तो रिवर्स लगेगा, ठीक है। हल्का सा करोगे तो फर्स्ट लग जाएगा, थोड़ा सा भी न्यूट्रल में ला के और पूरा करोगे तो आई मीन रिवर्स। जैसे अभी थर्ड है, थर्ड से डायरेक्ट नहीं जाएगा, निकाल के अगर लेके जाओगे तो थोड़ा करके रिवर्स, मेरे ख्याल से ऐसा है, बाकी स्कॉर्पियो ऑनर ज़्यादा बता पाएंगे। चलो एक बार ना इसका एक्सेलरेशन चेक करते हैं। टाइम लेती है वैसे चढ़ने में इंजन के हिसाब से। एक सौ बीस से ऊपर है, वाइब्रेशन होने लग गए स्टेयरिंग में हल्के हल्के, ये ऐसे हिलता है थोड़ा सा। यहां से है कि नहीं, जा सकते हैं? नहीं यार, इनका बांस टूट गया, नुकसान हो जाएगा सरकारी प्रॉपर्टी का। चलो ना एक बार रोक कर दिखाता हूं मैं गाड़ी थोड़ा सा आगे पीछे से। स्कॉर्पियो की पिचिंग तो लोगों को पसंद होगी, पिचिंग का मतलब जो आगे पीछे झूलती है ना उसे पिचिंग कहते हैं। फैन चल रहा है, गाड़ी हीट हो रही है क्या? स्कॉर्पियो S11 2020 आई थिंक 21,000 से 22,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और इसमें सारी कैप्टन सीट्स हैं। नहीं पूरी कैप्टन नहीं है, पीछे वाली बस फ्रंट फेसिंग है लेकिन पूरी कैप्टन नहीं है इसकी तरह पे। ठीक है चलो वो भी पीछे। मुझे इससे एक दिक्कत नहीं, मैंने मतलब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे डिक्की ये खोल दी इसका बूट गेट, नहीं बंद नहीं होता है, कितने ज़ोर से ले आओ नहीं होगा। यहाँ ला के ना ये ज़ोर से करना पड़ेगा, इसका बस एक फ़ायदा है अगर कोई पीछे से सामान ले को बहुत ज़ोर से नहीं बंद कर देते हैं
वो नहीं है इसमें, रुक जाएगा आराम से। और अब ठीक है, चलो अब चलें वापस। दो पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, आई कैंट सी हियर, नहीं है, ये रहा नटखट। चलो देखो, स्कॉर्पियो को बड़ा बनाता है इसका एक तो बोनट व्यू, बहुत अच्छा खासा दिखाई देता है। ऐसा मैंने इंडेवर में देखा है, मतलब जितनी मैंने चलाई हैं, इंडेवर में देखा है, थार में देखा है, लेकिन स्कॉर्पियो फिर अलग ही चीज़ है। इस बजट में मेरे ख्याल से जैसे इतना किसी का बजट होगा 20 लाख के आसपास, तो मैं और अगर भाई माफिया थोड़ी रगड लुक चाहिए तो स्कॉर्पियो के अलावा आई डोंट थिंक विल गो विद एनी अदर कार, स्कॉर्पियो देखता है। चलो गाइज, आई विल वाइंड अप द वीडियो नाउ। ऐसा कुछ था स्कॉर्पियो S11 के बारे में, ये नामक गाड़ी के बारे में बता रहा था। वैसे सही बताऊं तो मैं बस ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। काफ़ी दिन से डिमांड थी कि स्कॉर्पियो के ब्रेकिंग टेस्ट करो और स्कॉर्पियो को फिर से गलियों में लेके जाओ, क्योंकि मैंने अभी तक जो स्कॉर्पियो की एक जो वीडियो बनाई थी ना, ऊपर लिंक है, उसमें 16-17 लाख व्यूज़ हैं। एक और है वो भी ठीक है, 3-4 लाख है, लेकिन ये ज़्यादा चली से आज, 17 लाख वाली थी। तो एक दो जगह मैं गया, लोग मिले, बोले भैया आपकी मैंने स्कॉर्पियो वाली वीडियो देखी थी सबसे पहले। तो फिर कहीं और गया, एक दो और मिले वहाँ पे, बोले आपकी स्कॉर्पियो वाली वीडियो देखी थी। मुझे लगा यार इतनी वायरल है वीडियो, सबने स्कॉर्पियो वाली वीडियो मेरी देख रखी है और बहुत पसंद है, और उस वीडियो पे तो रील बन रही है और इंस्टाग्राम पे लोग डाल रहे हैं अपने अपने पेज पे, उन पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, मेरे ओरिजिनल वीडियो पे इतने लाइक्स नहीं है। तो चलो कोई नहीं, खैर ठीक है, मज़ा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।